हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई अब जैसे कि आपको पता ही है, ठंड तो आ ही चुकी है। हम आ रखे स्नो बाइक ट्राई क्लीनर पर, ठीक है। क्यों आ रखे हैं भाई? क्योंकि हमने रजाई दे रखी है यहाँ पर, अपनी सारी रजाइयाँ यहीं पे आती हैं भाई, निकल गई हैं। एक ये रही, दो अंदर हैं बोरी, तो ले रहे हैं धीरे धीरे। चार रजाइयाँ थी हमारी, तो ले रहे हैं वो। फिर उसके बाद ठंड में अब इसको ओढ़ेंगे, अच्छी नींद आएगी रात में भाई। बढ़िया नींद आती है ठंड में। किस किस को अच्छी नींद आती है भाई ठंड में? वैसे तो सबको ठंड में अच्छी नींद आती है भाई, ठंड होती है बढ़िया यार नींद। मेरे को गर्मियों में बेकार लगती है भाई, ठंड बढ़िया लगती है। तो अभी लेते हैं, बाइक पे आए हैं, अब देखते हैं चार रजाइयाँ कैसे लेके जाएंगे, हमारी पैशन कितना साथ देगी हमारा, ठीक है। जाने वाली है भाई ये, इसके इंजन कड़कड़ कड़कड़, पता नहीं अजीब आवाज़ निकाल रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहीं कभी ना बंद हो जाए, कहीं भी कैसे भी बंद हो सकती है। सुनाओ मैं आपको, अगर सुनाओ सुकून रोम ने टको। ये देख रहे हो कैसी आवाज आ रही है, अजीब सी कट 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 वाली। और अभी तो भाई कम है, अभी जब खड़ी होती है ना थोड़ी सी चल के आती है, कट 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 इतनी तेज आती है भाई, मतलब नीचे गैरेज में खड़ी होगी तो अगर घर का गेट खुला है तो घर तक चली जाती है इसकी आवाज, इतनी वो है। तो लेते हैं अब, फिर चलते हैं। पापा ही पकड़ेंगे, मैं तो नहीं पकड़ रहा, पीछे बैठ के मैं चलाऊंगा, पापा पकड़ लेंगे। The next day. देखो अब इंजन ऑयल निकाल रहे इसका, इंजन ऑयल नहीं है भाई। ये क्या निकाला भैया आपने अभी? क्या है ये, बोलते क्या है इसको? इसका टाइमिंग चेंज का स्प्रिंग सही है ये, खराब है ये तो, हार्ड वाला है। हार्ड वाला है ये, तो सही नहीं होगा। उस्ताद जी तो गाँव जा रखे हैं। वाह भाई, तो यार कौन बताएगा अब? हैं उस्ताद जी आएगा तो उसके तब तक आवाज सही नहीं होगी इसकी। भाई राजा भाई बताएंगे, रुक जाओ। चेक तो कर लो इसे, वो जो चेक करते हैं दूसरे भाई, ये वाले भाई कह रहे हैं राजा भाई, इनको ज्यादा नॉलेज है गुड्डू भैया के बाद, तो वो कह रहे हैं कि दिक्कत कर जाती है कि इसमें हार्ड स्प्रिंग है, और अब हार्ड स्प्रिंग ऐसे चेंज नहीं होगी। टाइमिंग सेट का चेन सेट, मतलब टाइमिंग चेंज होती है ना अंदर, उसका पूरा सेट चेंज होगा। देखते हैं भाई, ये देख लो इंजन ऑयल की हालत, ये दो हफ्ते पुराने इंजन ऑयल है। कह सकता है कोई इतना काला, एकदम अंतरिक्ष जैसा निकला पूरा काला। अब ये देखो, ये क्या, ये देखो भाई ये क्या कर रहा। इसकी स्कूटी समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए किसी मैकेनिक को, क्योंकि भाई की स्कूटी में अगर ओए अच्छा हॉर्न की वायर निकाल रखी है तूने तभी तो। हाँ भाई मैं कह रहा था भाई की स्कूटी के लिए बहुत दिमाग चाहिए, इसने इतनी जगह वो लगा रखे ना नट हर जगह से, इधर भी हर जगह नट लगा रखे हैं। दो ये हॉर्न था ही नहीं इसका, सिंगल हॉर्न इतना तेज है। दो लगा लिए तो क्या होगा, लगा रहा दिखाता हूँ। देखो अब हम आ गए ऑटो आर ट्रेडर पर, अपना वो लेने टाइम चेन का सेट, प्लेजर से आए हैं। बीच रोड में खड़ी कर रखे भाई ने, निडर होके एकदम बेफिक्र होके, भाई की तो रोड है। ले लिया कितने का है? 250 मेरा ये है चेंज स्प्रॉकेट भाई, 450 कुछ का है, हीरो को ओरिजिनल। ये देखो ये स्प्रिंग खराब हो रखे भाई, इसमें ये हार्ड स्प्रिंग लगा रखी है, तो ये वाला ले रहे हैं हम। लेते हैं फिर, मैं आपको वहीं जाके मिलता हूँ शॉप पे दोबारा, ठीक है? शॉप पे मिलता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे चेंज होगा, क्या चेंज होगा। अभी पहले इसकी पेमेंट वेमेंट करके चलते हैं, एक तो भाई ये बिजी बहुत रहते हैं। आ गया, कब करोगे भैया, कितना टाइम लगेगा? स्कूटी करने के बाद ही करोगे? खाली टाइम वीडियो बना रहा है यार, तो भाई आप वीडियो में आओगे अब। हैं कितनी चाहिए भाई? 600 रुपये। 600 की कहाँ है वो बड़ी? ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। अभी तो लोकल बोल रहा था, बोलने से क्या होता। 450 तो MRP है, 600 भी मिल गई तो तुझे क्या लग रहा मैं लाऊंगा 450 की? ये मिल जाएगी तुझे, ओरिजिनल है ना ये। चल इतना बता रहा हूँ, 220 से ऊपर की नहीं है, कसम खा। अबे तेरे तो कसम भी झूठी खा ले भाई, 150 की है। भाई हमारे चमनप्रास की एंट्री हो चुकी है। सतरमुर्ग मतलब पहले मैंने इसका नाम चमनप्रास चमनप्रास रखा था, बोरी गुरु जी के एंटोर्क, इसका नाम चमनप्रास था, अब चेंज हो चुका है। कैमरा साफ करूं, अल्ट्रावाइट गई बारी। हाँ अब देखो भाई बोलना कुछ, इसने कहा मेरे को व्लॉग में ले लो, मेरे को लगा कुछ इंटरेस्टिंग बोल रहा होगा। लाइव बोरिंग है, भाई ये देखो सबसे ज्यादा लेट बंदा है,
काम ही नहीं कर रहा मैंने कहा 3 इडियट देख भाई का भी टाइम हो रहा है 2 बजे भाई को लाना है भैया भाई भाई को लेना आया है स्कूल अभी अंतरिक्ष को भी लेना भाई को अपने वहाँ की खैर हुआ आते हैं वेट करते हैं टाइम 2:15 का है अभी 2:08 ही हो रहे हैं वेट करते हैं थोड़ी देर आ जाएंगे भाई ने पूरी जी जान लगा दी स्कूटी को साफ करने में अब भाई जाएंगे खाना खाने अब भाई जाएगा खाना खाने और हमारी बाइक फिर से डिले रह गई अभी अब जब खाना खा लेंगे उसके बाद तसल्ली से काम करेंगे अब भाई यूट्यूब पे आओगे यार आप अच्छा नहीं लगेगा फिर ऐसे यूट्यूब पे आते हैं तो बढ़िया नहीं लगता है क्या अरे यार शर्मा क्यों रहे हो ऐसे ये तो भाई ब्रेक शू लगवा रहा आपने पेट्रोल निकालो भाई सही है इसके ब्रेक शू पत्थर हो गए अब तो सही है अब तो लेदर आ जाएगा वापिस लग लग के भाई यूज होते रहते हैं ना चलो भाई ये करवाते हैं और सौरभ और दीपांशु तो जा रखे हैं भाई को ले आया था भाई मैं वो तो बता नहीं भूल गया भाई को ले आया था मैं पूरी हमारी साथी जिस पे मैं गया था क्योंकि भाई इसको चला नहीं सकते इसका एक पार्ट खोल रखा है नीचे से जो चेंज होना है कहाँ है वो पार्ट हो गया सही हो गया इसका सही खराब कर दिया था इसने अभी बार बार भाई ये देखो गियर ऑयल तो है इसकी स्कूटी में अभी लेके आया था ये और मैं जाके ये देखो कैस्ट्रोल का ये ऐसा अरे यार उसे कलर का डाल दिया खुद ही डाल दिया हमने वो तो भाई कुछ कर नहीं रहा वो डाल के इंजन मेरे पास थोड़ी है नट अबे नहीं डाला मजाक कर रहा है हां डाला मैं बता रहा हूं मजाक कर रहा है वो नट खो गया अबे पैर के घुटने के नीचे देखियो अपने घुटने के नीचे देखियो अच्छा बोल अलग ही नवाब वॉशर लगा दियो भाई भैया को ले ले ब्लॉग में कोई नहीं हाँ भैया ये भाई हमारे भाई थे इनके जुपिटर है ये कह रहा था 4 बार इंजन बन गया 35,000 चलिए खाली पागल बना रहा था मेरा हाँ इसने बात कर ली थी भैया से मम्मी को पागल बना रहा है कि इंजन बन रखा भाई देखो इलीगल कराया था 600 में तूने भी था वो क्या हाँ भाई ये देखो अब अपना तो बताओ बता दिया मैंने ब्लॉग में भाई चेन वाला 600 का मैं तो खुद लेके आया हूँ 400 रुपए में व्यूअर्स को पता है मेरे तुम्हें बोल रहा था ना उनको तो पता था भाई 400 रुपए का चेन वो है मेरा टाइमिंग चेन का सेट भाई हमारे सुपरस्टार आ चुके हैं जो हमारी बाइक को सही करेंगे बड़ी देर में खाना खा के आए हैं पर आ गए लग जाओ भाई मेरी बाइक पे अब मत बैठ अबे यार जल्दी हाँ लीवर लगा हुआ इसकी बाइक में लीवर लग रहा भाई अब मेरा काम ही होगा डायरेक्ट गुड्डू भैया का नया वॉशर है भाई अब से ये धो रहा है मजा आ रहा है स्प्रे में अपनी सेटिस्फेक्शन होती है हाँ वो बात तो है इसलिए मैं अपनी गाड़ी भी खुद धोता हूँ फ्री में धो दी इसने खुद अब पैसे भी नहीं देगा 60 रुपए बचा लिए भाई ने वो देखो वो नहीं मानने के भाई आज हर किसी की कर देंगे सही अब मेरी नहीं करेंगे लेकिन भाई टाइम देख लो 3:20 और अब स्टार्ट कर रहे हैं काम ये देखो भाई खोल दिया सारे नट अब निकलेगा मैं दिखाता हूँ टाइमिंग चेन क्या होती है ये अंदर दिख रही है ना ये होती है टाइमिंग चेन में ये होती है टाइमिंग चेन पूरे ऐसे ही लपटती है आगे तक जाती है आगे भी यही होती है ना चेन इतनी सी इसमें वो आगे बड़ी होती है आगे वाली बड़ी होती है अच्छा भाई ये अलग होती है सेल्फ मोटर की है अच्छा ये सेल्फ मोटर वाली है ओके भाई ये नहीं है टाइमिंग चेन दूसरी होती है बाजार देख रहे हो भाई जब ये कर देते हैं मैं आपको फिर दिखाता हूँ आप बोर हो जाओगे मैं खुद बोर हो गया हूँ भाई यहाँ खड़े खड़े 4 बजे काम स्टार्ट हो रहा है भाई 12:50 पे आ गया तो मैं सोच रहे हो आप भाई देखो इसका क्लच कवर भी खुल गया क्योंकि उधर से एक नट था
जो कि नटनी गरारी थी ये वाली, इसके लिए भाई वो वाली साइड भी खोलनी पड़ रही है भाई। अब दोनों खुलवा ली मैंने, इंजन ऑयल भी चेंज ही करवाना पड़ेगा दोबारा से। 8 नहीं हो 11 ही है 11। और क्या कहते हैं भाई, इसमें पेट्रोल से भी साफ करा लूंगा इंजन, थोड़ा काला इंजन ऑयल निकलता है ना भाई, तो उससे साफ हो जाएगा इंजन ऑयल, मतलब इंजन जो अंदर काले वो होता है ना मेल वेल, इसका जो पार्ट्स के हिस्से हैं उससे काला हो जाता है, फिर साफ हो जाएगा उससे। ये 11 है भाई, टाइम देख रहे हो 6 बज गए हैं, इतना टाइम लग जाता है भाई, आसान काम नहीं है भाई का काम कराना भी, बहुत टाइम लग गया। और उसकी गिरारी नहीं खुल रही थी आराम से, उसमें टाइम लग गया इतना ज़्यादा। अब वॉश वॉश पे दे दिए, इंजन ऑयल चेंज हो गया सब कुछ, टाइम हो गए 6 दिखाई दिया ना आपको। अब चलते हैं भाई, मैं थक गया यार पूरा अच्छे तरीके से, एकदम 1 बजे से आ रहा हूँ मैं, तो उतर 5 घंटे लग गए, खाना वाना भी नहीं खाया, खाना वाना खाऊंगा, बैटरी भी नहीं है फ़ोन में, 19% या 18% बची है, चार्ज करूँगा फिर जाके। देख रहा भाई इतना इतना हम कार लवर और बाइक लवर है, देख रहा पूरा पूरा दिन भूख के बाइक के चक्कर में, ताकि सही से चल जाए बस। चलो चलते भाई, ये देख लो फाइनली सारी सर्विस सर्विस सब कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है आवाज़ सुन लो। इसमें अब ना खाली पिस्टन की बात रह गई है आगे, ये तो भाई ठीक नहीं होगा, ठीक है इसमें इतना ही रहेगा अभी, अब हाफ इंजन मांगेगी वरना ये, अब जितनी आवाज़ कम हो सकती थी ना, अभी इंजन गर्म है इसलिए थोड़ी बहुत कर भी रही है भाई, वरना जब ठंडा जब ठंडा रहता है ना तब बिल्कुल भी नहीं करती आवाज़। तो भाई अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम आपको मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है टिल देन के लिए बाय बाय।